कहानी की शुरुआत एक छोटे टाउन से होती है जिसमें दो भाई रहते हैं, बड़ा भाई एडवर्ड और उसका छोटा भाई एल्फोंसो। इनके पिता इन्हें बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके थे। इन दोनों भाइयों को एल्केमी सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। एल्केमी एक ऐसी पावर है जिससे आप किसी भी मेटल को मनचाहे फॉर्म या धातु में बदल सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक नॉर्मल से सिक्के को सोने में बदल सकते हैं। एडवर्ड और एल्फोंसो एल्केमी में बहुत माहिर हो चुके थे और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। पर एक दिन उनकी इन खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है और उनकी इकलौती माँ की भी मौत हो जाती है। अपनी माँ के कब्र के पास मायूस बैठा एडवर्ड अपने छोटे भाई से कहता है कि क्यों ना वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ को फिर से दोबारा जिंदा कर दे, जिस पर एल्फोंसो उसे चेतावनी देता है कि फॉरबिडन है और अगर किसी को भी इस बात की भनक तक लग गई तो उन्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी और इस प्रोसेस में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उन दोनों की भी मौत हो सकती है। लेकिन एडवर्ड अपने छोटे भाई को किसी तरह से मना लेता है, जिसके बाद दोनों लाइब्रेरी पहुंचकर एल्केमी की कुछ किताबों के साथ साथ उन सारे एलिमेंट्स को एक सर्कल में रखते हैं जिससे इंसानी बॉडी बनी है। रिचुअल सर्कल के अंदर दोनों एक मटकी रख के उसमें सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं और रिचुअल को कंप्लीट करने लगते हैं। रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए दोनों भाई अपने अपने खून की एक एक बूंद देते हैं, जिसके बाद मटकी में रखे सारे एलिमेंट्स अपने आप ही मिक्स होने लगती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से मटकी के अंदर से एक मिस्ट्रियस एनर्जी बाहर निकलती है और आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगती है, जिसमें एडवर्ड का छोटा भाई भी खींचा चला जाता है और एडवर्ड सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर पाता। इन दोनों से रिचुअल में कोई गलती हो गई थी और इसलिए अब उन्हें इसका भुगतान करना होगा। काफ़ी साल बीत जाते हैं और एडवर्ड अब बड़ा हो चुका है। अब एडवर्ड फाइनल डिसाइड करता है कि अपने छोटे भाई को किसी भी तरह से वापस इस दुनिया में लाएगा, लेकिन कैसे? दरअसल एल्फोंसो देवताओं की दुनिया में फंसा हुआ था, इसलिए एडवर्ड गॉड से कहता है कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं अपनी माँ को दोबारा जिंदा नहीं कर पाया, मुझे अपनी माँ को एक बार देखने दो। तो गॉड उसे एक ऐसे गेट के आर पार भेज देता है जहाँ पर अपनी माँ के सोल को देख पाता है। अभी तो उसने अपनी माँ को ठीक से देखा भी नहीं था कि गॉड उसे वापस बाहर निकाल देते हैं। एडवर्ड अब गॉड से कहता है कि मुझे मेरा छोटा भाई भी वापस चाहिए। गॉड इस पर मना कर देते हैं ये कहते हुए कि ये मुमकिन नहीं है, जब तक कि वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं देता। एडवर्ड कहता है कि वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है, जिस पर गॉड उससे उसका एक हाथ और एक पैर एज ए सेक्रीफाइस के रूप में मांगता है। सेक्रीफाइस कंप्लीट होने पर एडवर्ड को उसका छोटा भाई वापस तो मिल जाता है, लेकिन गॉड्स की दुनिया से इस दुनिया में वापस बस उसके भाई की सोल ही आती है, ना कि उसकी बॉडी। अपनी हालत में दर्द में बिलखता एडवर्ड एक मेटल आर्मर बाहर निकालता है और उसमें अपने छोटे भाई की सोल को कंटेन कर देता है एंड उससे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह उसे उसकी बॉडी ज़रूर वापस दिलाएगा। इस वादे को पूरा करने के लिए एडवर्ड एक बहुत बड़ा एल्केमिस्ट बन जाता है, ताकि वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ पाए जिससे वो उसके भाई के शरीर को ढूंढ पाए, एंड ऐसा ही होता है। उसके इतने सालों की रिसर्च के बाद उसे एक ऐसा रास्ता मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उसे फिलोसोफर स्टोन नाम के एक पत्थर की जरूरत पड़ती है। स्टोन को ढूंढते वक्त एडवर्ड को ये मालूम चलता है कि फिलोसोफर स्टोन एक प्रीस्ट के पास है, तो वो उस प्रीस्ट से उस पत्थर को मांगने जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर प्रीस्ट उसे पत्थर देने से मना कर देता है और दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रीस्ट एडवर्ड को अपनी पावर से मारने की कोशिश करता है और उसमें सिविलियंस को भी बंदी बना लिया था, जिस पर एडवर्ड उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ा स्टोन जाइंट को समन करता है। लेकिन आगे कुछ और हो, तभी इससे पहले आर्मी आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। आर्मी कमांडर एडवर्ड से कहता है दैट फिलोसोफर स्टोन एक मिथ है और रियलिटी में वैसा कोई भी स्टोन एग्जिस्ट नहीं करता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए कमांडर स्टोन को जला देता है एंड वो डस्ट हो जाती है। इससे ये तो साबित हो चुका है कि ये नकली था, क्योंकि रियल फिलोसोफर स्टोन को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये देखकर एडवर्ड बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। इसी दौरान प्रिस्ट किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल जाता है। रात में हम उसी प्रिस्ट को देखते हैं जो कुछ आर्टिफिशियल लोगों से स्टोन को लेकर बहस कर रहा है। ये लोग असली इंसान नहीं है एंड इन्हें किसी स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट ने बनाया है और इन्होंने ही प्रिस्ट को एक नकली फिलोसोफर स्टोन बेची थी। प्रिस्ट के धमकी देने पर ये लड़की उसे मार देती है और फिर ये उसके डेड बॉडी को खाने लगते हैं। दूसरी ओर आर्मी एडवर्ड को अपने जनरल के पास ले जाते हैं। जनरल एडवर्ड से मिलकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें सुनी हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पर एडवर्ड का एक दोस्त भी आता है। जनरल एडवर्ड को बहुत सारे जाने माने एल्केमिस्ट का पता देता है जो उसकी सच में मदद कर सकते हैं। अपने सफर पर निकलते वक्त एडवर्ड को उसके बचपन की एक दोस्त मिलती है जिसने उसके आर्टिफिशियल हाथ और पैर लगाए थे। तीनों मिलकर एक नामी एल्केमिस्ट के पास जाते हैं। इस एल्केमिस्ट की पावर थी कि वो किसी भी दो जानवरों को मिला के एक नया जानवर बना सकता है जो इंसानों की तरह बातें भी करता है।
एडवर्ड एल्केमिस से पूछता है कि मैं अपने भाई के शरीर को इस दुनिया में वापस कैसे लाऊं। एल्केमिस उससे कहता है कि ये मुमकिन नहीं है जब तक कि उसके पास फिलोसोफर्स स्टोन ना हो। वो उनसे एक साइंटिस्ट के बारे में बताता है जो आर्मी के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके पास वो स्टोन है। अभी वो कहीं पर छिपा हुआ है ताकि कोई उससे वो पत्थर छीन ना ले। एल्केमिस्ट एडवर्ड से कहता है कि तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढने जाओ, तब तक के लिए तुम अपने छोटे भाई की सोल को मेरे पास छोड़ जाओ। हो सकता है कि मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लूँ जिससे वो ठीक हो जाए। अपने भाई की सोल को वहीं पर छोड़कर एडवर्ड अपने फ्रेंड्स के साथ उस साइंटिस्ट को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद एल्केमिस्ट एडवर्ड के भाई के ऊपर कोई स्पेल कास्ट करता है। वो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसकी सोल कभी इस दुनिया में वापस ही नहीं आई, वो तो कभी इंसान भी नहीं था। एंड स्पेल से एडवर्ड का छोटा भाई सच में ये सोचने लगता है कि उस दुनिया में कभी आया ही नहीं। एंड इस सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। इधर एडवर्ड भी साइंटिस्ट को ढूंढते हुए उसके पास आ पहुंचता है। साइंटिस्ट उससे कहता है कि वो मिलिट्री से छिपता फिर रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए वही आर्टिफिशियल लड़की यहाँ पर आ पहुंचती है और साइंटिस्ट को मार डालती है। मरने से पहले वो एडवर्ड से कहता है कि फिलोसोफर स्टोन उसे आर्मी के एक लैब में मिलेगी, और वो तरीका भी बताता है जिससे वो अपने भाई के शरीर को वापस ला पाएगा। एडवर्ड यहाँ से वापस उस एल्केमिस्ट के घर जाता है जहाँ पर उसने अपने भाई को छोड़ा था, लेकिन लौटने पर वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए ऊपर के कमरे में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एल्केमिस्ट ने फिर से एक नए अनोखे क्रिएचर को बनाया है। पास जाकर देखने पर एडवर्ड की खुशी गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि ये क्रिएचर एल्केमिस्ट ने अपनी बेटी और डॉग को एल्केमिस्ट से मिक्स करके बनाया था। गुस्से में वो एल्केमिस्ट को मारने लगता है कि क्यों उसने ऐसा किया, वो भी अपनी खुद की बेटी के साथ। जिस पर एल्केमिस्ट कहता है कि तुमने भी तो अपनी माँ को जिंदा करने के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दिया। मैं एल्केमी में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। पागल एल्केमिस्ट को एडवर्ड आर्मी को सौंप देता है और फिर से फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने में लग जाता है। साइंटिस्ट की बताई हुई लैब को ढूंढने पर भी उसे वो लैब नहीं मिलती, जिस पर मायूस होकर वो बहुत रोने लगता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड का छोटा भाई ये सोचने लगता है कि एडवर्ड बस उस पत्थर के पीछे पड़ा हुआ है एंड वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे को ये दोनों मारने लगते हैं, जिसमें एडवर्ड के हाथ पर बहुत चोट लग जाती है। उन्हें लड़ते देख एडवर्ड की दोस्त रोने लगती है और एल्फोंसो को पूछती है कि क्या उसे सच में याद नहीं कि किस तरह बचपन में वो तीनों एक साथ खेला करते थे। उसे याद करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक इंसान है। याद करने की कोशिश करो, तुम एक इंसान हो। एल्फोंसो को सब कुछ याद आने लगता है और वो अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता है। एडवर्ड अब हर एक लाइब्रेरी में जाकर उस लैब के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ मालूम नहीं चलता। वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका होता है कि तभी कर्नल आकर उसे मदद ऑफर करता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उनसे कहता है कि जिस जगह की तुम लोग तलाश कर रहे हो वो दरअसल कोई लैब नहीं बल्कि एक जेल है जिसमें लोगों को बंदी रखा जाता था। वो उनसे उस जगह की लोकेशन बताने ही वाला था कि फिर से वही आर्टिफिशियल लड़की यहाँ पर आकर उन पर हमला करने लगती है। सबको बचाने के लिए कर्नल खुद अपनी जान दांव पर लगाकर उस लड़की को मार देता है और फिर आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर हम उस कर्नल को देखते हैं जिसने मूवी के स्टार्ट में एडवर्ड को गिरफ्तार किया था। यह दूसरे कर्नल को मार गिराता है और अब आर्मी कर्नल के मर्डर में एडवर्ड को दोषी समझकर उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट उसे बताती है कि दरअसल इस मर्डर के पीछे कर्नल का हाथ है और उसने उस एल्केमिस्ट को भी जेल से आज़ाद कर दिया है। एडवर्ड उसे ये बात सबसे कहने के लिए कहता है, लेकिन लेफ्टिनेंट की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता, इसलिए ये दोनों गार्ड्स पर हमला करके यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि बुरे कर्नल को पुलिस ने घेर लिया है। कर्नल को शक होता है कि ये लोग पुलिस नहीं है और अपना मैजिक यूज करता है, तो ये रिवील होता है कि ये लोग वही आर्टिफिशियल लोग हैं। एडवर्ड के पूछने पर आर्टिफिशियल लड़की ये बताती है कि कर्नल को उसी ने रूप बदल कर मारा था, ना कि इस दूसरे कर्नल ने। लेकिन जब एल्केमिस्ट को जेल से भगाने की बात करते हैं तो इस बात से मना कर देती है कि उसने नहीं किया। इसके बाद एक आर्टिफिशियल लड़की जल्दी से उस एल्केमिस्ट को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी ह्यूमनॉइड उस लैब को ढूंढने और ये आर्टिफिशियल लड़का यहाँ पर मौजूद सबको खाने के लिए रुक जाता है। इस लड़ाई में कर्नल घायल हो जाता है, जिस पर सब ने इल्ज़ाम लगाया था। ह्यूमनॉइड्स का पीछा करते हुए एडवर्ड उस लैब तक आ पहुंचता है जहां पर एल्केमिस्ट ने उसके भाई और उसके दोस्त को बंदी बना लिया है। यहां पर एल्केमिस्ट उसे उस स्टोन की सच्चाई बताता है। जिस स्टोन को इतना ढूंढ रहा है वो दरअसल इस लैब में, यानी कि जो असल में एक प्रिजन हुआ करता था, बहुत सारे लोगों को मार कर उनकी सोल्स को कलेक्ट करके ये स्टोन बनाया गया है। उन सारे लोगों को इन्होंने इतना दर्द और टॉर्चर किया था कि उनकी पेन और एनर्जी को इस स्टोन में डाला गया है।
एडवर्ड को ये सच्चाई सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगता है। यहाँ पर वही आर्टिफिशियल लड़की आकर एल्केमिस्ट को मार डालती है क्योंकि उसने बहुत सारे राज बयां कर दिए थे। और अब खुलती है रियल ट्विस्ट। लैब के ऊपर हम उसी जनरल को देखते हैं जिसने एडवर्ड को उस एल्केमिस्ट का पता दिया था, और इन सब के पीछे इसी का हाथ है। जनरल लैब की लाइट्स ऑन करता है तो हम देखते हैं कि सीलिंग पर हजारों की तादाद में लाशें लटक रही थी। अब जनरल इन सब लाशों में एक एक फिलोसोफर स्टोन डाल देता है जिससे वो सब जिंदा हो जाते हैं और सारी लाशें एक अनडेड आर्मी में तब्दील हो जाती है। लेकिन जिंदा होते ही वो सबसे पहले उसी जनरल को मार डालते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं और पूरे टाउन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर जनरल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसमें मासूम लोगों की जान जा सकती है। ये हो सके इससे पहले अपनी आर्मी एडवर्ड और उसके साथियों की मदद से उन सभी क्रिएचर्स को मार गिराते हैं। इसके बाद ये उन आर्टिफिशियल लड़कियों को पकड़ने जाते हैं जो उनसे ये सीक्रेट रिवील करते हैं कि जब उन्हें बनाया गया था उनके अंदर इमोर्टल स्टोन डाला गया था और इसीलिए उन्हें मारा नहीं जा सकता। उन्हें जितनी बार भी मारेंगे ये फिर से जिंदा उठेंगे। इस पर एडवर्ड सबसे कहता है कि तब तक जिंदा है जब तक स्टोन की एनर्जी मौजूद है। अगर हम उन्हें बार बार मारे तो स्टोन की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और ये सब मारे जाएंगे। इस बात पर कर्नल अपनी फायर पावर से उन पर बार बार अटैक करता है एंड फाइनली स्टोन उनके अंदर से निकाल देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर वो स्टोन एडवर्ड को दे देता है ताकि अपने भाई को बचा सके। एडवर्ड स्टोन को लेकर फिर से गॉड्स की दुनिया में जाता है जहाँ पर उसके भाई की बॉडी ट्रैप्ड है। अपने भाई को बचाने के बहुत करीब खड़ा एडवर्ड अब इस सोच में पड़ जाता है कि ये स्टोन न जाने कितने सारे इनोसेंट सोल से बनाई गई है और वो अपने भाई को बचाने के लिए इतने सारे सोल्स की कुर्बानी नहीं दे सकता। वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊँगा और अपनी दुनिया में वापस चले आता है। रियल वर्ल्ड में आकर अपने भाई की सोल से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसकी एक जान बचाने के लिए इतने सारे इनोसेंट सोल्स की कुर्बानी नहीं देगा एंड वो उसे बचाने के लिए कोई एक दूसरा तरीका ढूंढ निकालेगा। अल्फोंसो भी इस बात पर राजी हो जाता है और ये सब निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए। एंड मूवी एंड्स। दिस इज मूवी इन शॉर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।